हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कुर्ती के स्लीव्स का एक सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन आप अपनी कुर्ती के बॉटम और पैंट के बॉटम पर भी बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक का 1.5 इंच का एक पट्टी लिया हुआ है। ये देखिए, अब क्या करना है हमें, इस तरीके से दोनों साइड से इसे अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से अंदर के साइड में दोनों साइड से फोल्ड करके फिर से फोल्ड कर देना है, और साइड में हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगा लेना है। ये सिलाई आप साइड में ही लगाएंगे ताकि दोनों साइड के फैब्रिक को अंदर अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए। आपने भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई को आपने एकदम सीधी और फिनिशिंग के साथ में लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमने इसे 3 इंच पर कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने 3-3 इंच पर छोटी छोटी पट्टियों को कट कर लेना है। इसी तरीके से हमने सारी पट्टियों को 3 इंच पर कट कर लेना है। इसी पट्टी से हमने अपनी डिज़ाइन को बनाना है, इसलिए हमने इसे 3 इंच पर कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे लूप्स को इस तरीके से 3-3 इंच पर कट कर लिया है। अब इसके बाद हमने एक पेपर को लेना है, और ये पेपर की जो चौड़ाई हम रखेंगे वो 3 इंच रखेंगे, और लंबाई जो है अपने स्लीव्स के अकॉर्डिंग रखेंगे। आप अपने स्लीव्स के अकॉर्डिंग रखना यहाँ पर लंबाई। हमने इस तरीके से पेपर को बीच से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने पेपर को बीच से फोल्ड कर लेना है। उसमें हमें इस तरीके से पेन से निशान लगा लेना है ताकि जो हमारा बीच का साइड है वो हमें पता चलता रहे। निशान लगाने के बाद हमने जो पट्टियों को कट किया उसे इस तरीके से रखना है, और उसी निशान पे, ये देखिए, इस तरीके से हमने रखना है, और जो हमने बीच पे पेन से निशान लगाया था उसी निशान पे हमने इस तरीके से इसे स्टिच करते जाना है। ये देखिए, ये पट्टियों को हमने एकदम चिपका के रखना है, बीच में थोड़ा भी गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा डिज़ाइन सही से नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हमने पट्टियों को रखते जाना है, और जो हमने पेन से निशान लगाया था उसी निशान पे हमने एकदम सीधी सिलाई लगाते चले जाना है। ये सिलाई हम एकदम फिनिशिंग के साथ उसी निशान पे लगाएंगे ताकि हमारा डिज़ाइन अच्छे से बनकर तैयार हो। यहाँ पर मैंने अपने पूरे लूप्स को कागज़ में अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने सिलाई लगाई है यहाँ पर, उसको हम 2-3 बार और इस पर सिलाई लगा लेंगे ताकि ये हमारा अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से हमने 2-4 सिलाइयाँ लगा लेनी है ताकि ये हमारा एकदम अच्छे से सेट हो जाए और मजबूत हो जाए डिज़ाइन। ये सिलाई लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, अब अपने डिज़ाइन को बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने एक लूप इधर करना है, फिर दूसरी लूप को दूसरी साइड पे करना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो चलिए हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो सबसे पहले एक साइड लूप को हम इस तरीके से बराबर करके पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे, दूसरे लूप को दूसरी साइड कर देंगे, और फिर हमने इस तरीके से इस साइड दूसरी लूप को लेना है और सिलाई लगाते चले जाना है। इसी तरीके से आपने भी डिज़ाइन को बनाते चले जाना है। ये देखिए, हमने एक लूप इस साइड से पकड़ना है और सिलाई लगाना है, और इस साइड के लूप को दूसरी साइड कर देना है। ये देखिए, यहाँ पर मैं पहले एक साइड पे सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद हमने दूसरे साइड पर भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है। हमने यहाँ पर एक साइड पर सिलाई लगा लिया है, अब हमने दूसरे साइड के लूप पर भी सिलाई लगा लेना है उसी तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हमें दूसरे साइड के लूप को इस तरीके से पकड़ लेना है, और जैसे हमने यहाँ पर एक साइड पर सिलाई लगाई है उस साइड, अब हमने इस तरीके से दूसरे साइड पर भी सिलाई लगा लेना है। तो चलिए हम पूरी सिलाई लगा लेते हैं।
वहाँ पर मैंने दूसरे साइड पे भी लूप्स को सिलाई लगा लिया और एक्स्ट्रा कपड़ों को हम कट कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दोनों साइड पर सिलाई लगा ली है। अब हम अपने से आस्तीन पर यानी स्लीव्स पर अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने स्लीव्स को इस तरीके से खोल के रख लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने आस्तीन को अपने यानी स्लीव्स को रख लेना है और जो हमने डिज़ाइन बनाए उसे हम सीधे साइड पर सीधे साइड और उल्टे साइड पर उल्टे साइड करके इस तरीके से रख लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम उसी लूप्स पर जो हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई पर हमने ये सिलाई लगा लेना है और एकदम फिनिशिंग के साथ में ये सिलाई लगाना है हम। चलिए हम यहाँ पर सिलाई लगाते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई को लगा लेना है। गाइज ये डिज़ाइन बनकर बहुत ही अच्छे से तैयार होती है और बहुत ही ईजी है इसे बनाना, तो आपने भी इसे ट्राई करना है एक बार। यहाँ पर हमने अपनी डिज़ाइन को स्लीव्स में अटैच कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे जो कि हमारा फिनिशिंग वाला सिलाई होता है। तो इस तरीके से हमने कपड़े को बराबर करके पकड़ना है और एकदम सीधी सिलाई लगाना है ताकि हमारा जो ये डिज़ाइन है वो अच्छे से बैठ जाए। तो इस तरीके से आपने भी सिलाई को लगाते चले जाना है। एकदम फिनिशिंग के साथ हमने ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से हमारा डिज़ाइन बन गया। और ये हम जो एक्स्ट्रा हमारा डिज़ाइन है इसे हम कट करके निकाल देंगे। डिज़ाइन को अटैच करने के बाद यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक पट्टी को लिया है जिसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर 3 इंच रखनी है। ये देखिए हमने यहाँ पर फैब्रिक की पट्टी की चौड़ाई 3 इंच रखी है और लंबाई हम अपने स्लीव्स के अकॉर्डिंग लिया है हमने। तो हमने फैब्रिक पट्टी को इस तरीके से हमारे डिज़ाइन पर रखना है और सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने एक सीधी सिलाई लगा लेनी है हमारी उसी डिज़ाइन पर। सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और ये जो हमारा कागज़ है इसे हम निकाल देंगे। गाइज ये अभी पूरी तरीके से एकदम साफ़ नहीं निकलेगा, लेकिन जब हम इसे वॉश करेंगे तो ये एकदम सारा कागज़ हमारा निकल बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे कागज़ को निकाल दिया है और आप देख सकते हैं इस डिज़ाइन का लुक कितना अच्छे से आया है। अब हम इसे दूसरी साइड फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने फैब्रिक को अंदर की साइड में फोल्ड कर देना है और एक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर दोनों साइड में हमने सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ। ये सिलाई हम एकदम सीधी और फिनिशिंग के साथ लगाएंगे ताकि हमारा डिज़ाइन अच्छा दिखे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से एकदम दोनों साइड में सीधी सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग लेस भी अटैच कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने गोटा पट्टी यूज़ करा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसे अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे रखना है और उसी सिलाई पे जो हमने फिनिशिंग वाली सिलाई लगाई थी उसी पर ये गोटा पट्टी अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने गोटा पट्टी को अटैच कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग लेस भी अटैच कर सकते हैं कोई अच्छी सी। तो यहाँ पर मैंने एक साइड में गोटा पट्टी को अटैच कर लिया। अब हमने दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से गोटा पट्टी अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों साइड में गोटा पट्टी अटैच कर लिया और आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन बनने के बाद कितना ही सुंदर दिख रहा है। यहाँ पर आप लेस की भी डिटेलिंग दे सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने जो गोटा पट्टी की डिटेलिंग दी है आप अपने अकॉर्डिंग लेस की भी डिटेलिंग दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन कितना ईजिली बनकर तैयार हुआ है और कितना ही ब्यूटीफुल सा दिख रहा है। अब हम अपने स्लीव्स को सूट में अटैच करके इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम इसे अपने सूट में अटैच कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने स्लीव्स को बना लिया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को बना लिया है और आप देख सकते हैं बनने के बाद कितना ही ब्यूटीफुल सा और सुंदर सा दिखता है और कितना इजीली हम इसे बना सकते हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।